देखिए गाइस, फाफड़ा और कढ़ी के साथ हमने सर्व किया हुआ है। आज की हमारी ये रेसिपी है, तो आप तो इसे देखिएगा कितनी आसान विधि से हम बनाना बताते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, और एक बार बना के रख लीजिए, महीनों की फुर्सत हो जाएगी। और इसका हम क्रिस्प दिखा देते हैं, सुना देते हैं। ये देख सकते हैं आप कि कितना क्रिस्पी और कितना यम्मी है, पास से ही दिखा रहे हैं। और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए देखते हैं अपनी आज की रेसिपी, फाफड़े की रेसिपी। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। देखिए, त्योहारों का समय चल रहा है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं। तो ये लिया हमने एक कटोरी बेसन, छना हुआ हमारा, अच्छे छना हुआ बेसन है। तो इसमें और इंग्रेडिएंट डालते हैं, क्योंकि त्योहार के टाइम पर कुछ ऐसे नाश्ते बनाने चाहिए जो कि हमारे काल लंबे समय तक चले। और ये होता है कि हमारा लंबे समय तक चलता है। तो चलिए देखते हैं और इंग्रीडियंट। ये देखिए गाइस, हम बहुत कम इंग्रीडियंट से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए फिर, ये हमने लिया हुआ नमक, देखिए ये वही नमक है जिसका हम वीडियोस पर डाल चुके हैं, ठीक है। बहुत टेस्टी नमक है और इसमें सारा कुछ पड़ा है, मिर्च वगैरह, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत तीखा नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप लोग तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये देखिए, हमने अपने स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है कि जितना हमें चाहिए। और हम लेंगे अजवाइन, क्योंकि या बेसन की कोई भी चीज हो, नमकीन, उसमें अजवाइन जरूर डाली जाती है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, हमने हाफ टेबल स्पून अजवाइन ले लिया, इसको ऐसे मैश करते हुए डालेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे हींग। देखिए, नमक में भी हींग है, बट हम ऐसे भी डाल रहे हैं। दो पिंच हींग लिया है हमने, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। तो चलिए, ये देखिए गाइस, दो पिंच बेकिंग सोडा, हमको बेकिंग सोडा ही लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं गाइस, हमने अपना ऑयल लेना है मोइन के लिए। तो हम सिर्फ 2 स्पून ऑयल लेंगे। 2 स्पून से अगर आप ज्यादा लोगे ना मोइन, तो फिर उसमें फिर ऑयल की मात्रा कुछ ज्यादा लगेगी इस वजह से, ठीक है। तो इसको अच्छे से सारा मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस, हमने पानी ले लिया है, ठीक है। तो स्पून से ही ऐड करेंगे, क्योंकि इसको हमें गीला नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से सूखा ही बनाना है। और एक बात गाइस, बेसन भी मोटा मत लीजिएगा, अच्छे से महीन वाला लीजिएगा। और इसका हमें डो जो लगाना है वो सख्त डो लगाना है, ठीक है, इस तरह से चिपचिपा नहीं लगाना है, सख्त डो लगाना है। तो इस तरह से हम स्पून से डालते हुए पानी आटे को लगाएंगे। ये देखिए गाइस, हमारा डो लग गया है, और ये देखिए सख्त डो लगा है बिल्कुल। तो इसको अब हम कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगे, ठीक है, अच्छे से। और देखिए, पानी 5 से 6 स्पून लगा हुआ है, पानी ज्यादा नहीं लगा है हमारा पानी। तो इसको अब हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे सेट होने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये हम अब एक बार और मसल लेंगे, टाइट है हमारा डो। एक बात और गाइस, देखिए पापड़, इसको बनाने के लिए पापड़ खार की बहुत जरूरत होती है, लेकिन हर किसी के घर में पापड़ खार तो नहीं उपलब्ध होता है। इस वजह से हमने इसमें पापड़ खार को बिल्कुल भी नहीं डाला है, स्किप किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने मसल लिया, तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए गाइस, इसको हम ले लेंगे, ठीक है, और इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। बहुत ज्यादा बड़ी लोइयां नहीं बनानी है, और हम किसी भी लोई बना ली है हमने, अपने जो लकड़ी का वुड का है उस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, और अपने बेलन पर भी ये हम थोड़ा सा लगा लेंगे, जिससे कि हमें बेलने में आसानी हो और ये अच्छे से बन सके। ये देखिए, आप देख सकते हैं, और जितना पतला हो सके उतना पतला बेलें, ठीक है। ये देख सकते हैं, हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना, बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको हमें हल्के हाथों से ही बेलना है। ये रहेगा, इस बेल चुका है, तो इसको हम अच्छे से फ्लैट करते हुए, अच्छे से दबाते हुए चाकू को निकालेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, निकल गया, ठीक है। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे, चेक फ्राई करते चलते। ये देख सकते हैं गाइस, हमारी कढ़ाई हो चुकी है, और इसके लिए हमें कढ़ाई बहुत तेज फ्लेम पर चाहिए। तो ये देख सकते हैं, ये गाइस हमने थोड़ा छोटा छोटा पैन बनाया है, क्योंकि हमारी ये गोल पेंदी की कढ़ाई है, तो उसमें उतना ही डालना है जितने में हो जाए, ठीक है। अब इसको हमें सेकना है अच्छे से, बहुत अच्छे से। और अब हमें, देखिए फूल गया है, और अब हमें इसको धीमा आंच कर देनी है इसकी,
ये देख सकते हैं गाइस, इसके फूलने से ही पता चल जाएगा आपको कि कितना ये क्रिस्पी बनेगा। ये हमारा, तो इसको हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से सारे हम बना लेंगे, फिर मिलेंगे आगे। ये देखिए गाइस, हो गया है हमारा सिक्किया है, तो इसको हम निकाल लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये देख सकते हैं, और हम इसी तरह से सारे सेक लेंगे। ये देखिए गाइस, सेकेंड वाला अपना ऐसे ही डालेंगे, सेकेंगे, ठीक है। इस तरह से करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। हमारा फाफड़ा तैयार है बिल्कुल भी, बहुत प्यारा, बहुत टेस्टी। चलिए इसको कढ़ी के साथ सर्व करते हैं। देखिए कढ़ी की रेसिपी हम अपने वीडियो पर डाल चुके हैं अपने चैनल पर, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं गाइस, हमने अपने कढ़ी के साथ अपने फाफड़ा तैयार करके रखे हुए हैं, सर्व करिए हैं। ये फाफड़े आप 1 से 1.5 महीने तक आप चला सकते हैं एयर टाइट जार में रखकर। तो देख सकते हैं हम इनको, इनका क्रिस्प दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी है कि आराम से टूट गया है, ठीक है। बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी, देख सकते हैं। देखिएगा इनकी आवाज सुनिए, ये देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी है। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट में। तो प्लीज अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।